ओके सो आई गेस हमारा होमवर्क था एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्सरसाइज थे क्या आधे थे कंप्लीट कंप्लीट ओके सो चलो स्टार्ट आस्किंग डाउट्स 8 क्वेश्चन 13.2 थी ना आई गेस यस सर 13 नहीं सॉरी सॉरी 12.2 चलो क्वेश्चन नंबर 8 से पहले किसी का डाउट तो क्वेश्चन नंबर 4 4 से पहले किसी का डाउट आई थॉट हमने काम कर लिया बहुत लंबा टाइम मिल गया है 3 बोला किसी ने यस सर ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स तो हार्दिक जो मिनट हैंड होता है या हैंड ऑफ क्लॉक होता है कोई भी वो सर्कुलर वे में मूव करता है सर ठीक है तो कह रहा है 5 मिनट में बताओ कितना एरिया स्वीप करेगा तो 5 मिनट में क्या वो एक सेक्टर ऑफ सर्कल स्वीप कर जाएगा यस सर ठीक है नाउ वी नो द रेडियस ऑफ दिस सेक्टर जो भी लेंथ ऑफ हैंड होगा वो रेडियस हो गया दैट इज 14 सेंटीमीटर नाउ डू वी नो द एंगल नो सर बट कैन एंगल बी फाउंड 5/60 क्यों करेंगे सर जो मिनट हैंड होता है वो पूरा सर्कल कितनी देर में कवर करता है सर 360 कितनी देर में करता है 360 डिग्री एंगल पे कितनी देर में कवर करता है 12 आवर मिनट हैंड 60 मिनट्स में भाई एक घंटे में पूरा घूम जाता है ना तो 60 मिनट में कवर करता है 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा 360/60 करोगे 6 आ जाएगा तो 5 मिनट में कितना कवर करेगा 30 एक्चुअली वी नो कि जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो 30 है एंगल पता है रेडियस पता है निकाल लोगे एरिया यस सर ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर Find the area of corresponding minor segment or major sector. ठीक है सेगमेंट का निकालेंगे तो सेक्टर तो अपने आप निकालना ही पड़ेगा तो इसमें क्या इश्यू आया सानवी सर शायद मैं वर्ड्स में कंफ्यूज हो गई थी ओके एक कॉर्ड है सर्कल की कह रहा है कि वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है तो दिस इज द कॉर्ड और इसको सेंटर पे इसका जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री से फायदा क्या हुआ वी कैन इजिली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एरिया के लिए कुछ ना कुछ रहता है ऐसा सिस्टम की या तो एंगल गिवन होगा या इक्विलेटरल होगा या इस केस में राइट एंगल हो गया है तो सेंटर का जो एंगल है वो 90 डिग्री है एंड गया रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर अच्छा ये 10 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री कैन वी फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर यस सर समझ आ गया मैं शायद वो कॉर्ड वाली लाइन में कंफ्यूज हो गई थी ठीक है तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर 90/360 1/4 और पाई को यहां 3.14 ले लो अगर नहीं दिया और आर स्क्वायर 100 हो गया और इसी में माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे तो दैट वुड बी एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा 50 आ जाएगा हाफ 10 × 10 इजी यस सर ओके नेक्स्ट डाउट 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करा अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 बाय द मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज सेकेंड पार्ट है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वाज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 इसमें क्या दिक्कत है ये तो मैंने एक क्वेश्चन क्लास में भी कराया था कि तीनों आई थिंक हॉर्सेस ही टाइड थे एक कॉर्नर पे अगर हॉर्स टाई है उसकी रेडियस दे रखी है कि रोप की रेडियस क्या है तो क्या हॉर्स ये सेक्टर ग्रेज कर पाएगा भाई
चारों तरफ घूमेगा, फील्ड के अंदर वाली ग्रास ग्रेस कर पाएगा तो सेक्टर ही तो, या तो सेक्टर का एरिया निकाल। थीटा 90 हो गया, स्क्वायर है क्योंकि तो थीटा बाय 360 पाई, कुछ नहीं दिया है क्योंकि अच्छा मैं 3.14 वैसे 22/7 ज्यादा लेते हैं, मैं 3.14 इसलिए ले रहा हूँ कि यूजली 100 मिल जाएगा तो डेसिमल हट जाता है ये। और रेडियस जो रोप की लेंथ है विच इज 5, तो रेडियस स्क्वायर। ठीक है, यस सर। सेकंड पार्ट है कि अगर 5 की जगह 10 कर दिया तो कितना इंक्रीज होगा, तो ये पहले 5 वाला है, 10 वाले में क्या हो जाएगा, 90/360 पाई और आर स्क्वायर, तो डबल डबल हो गई रेडियस। ठीक है, तो वो 4 टाइम्स होगा, जब ओरिजिनल का 4 टाइम्स हो जाएगा तो बढ़ा कितना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना। समझ गया फंडा? yes, सीधा था। चलो ये डायग्राम तो और कंफ्यूज कर रहा है, सो ऐसे कंफ्यूज डायग्राम तो बना है, ठीक ठीक समझ सकते थे। एनीवे नेक्स्ट आउट Question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter this. The wire is also used in making five diameters which divide circle into 10 equal circles. तो ये 5 डायमीटर बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है, और सर्कल का डायमीटर दे रखा है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो सिल्वर वायर से एक तो ये डायमीटर बने हुए हैं और सर्कल बना हुआ है, तो बेसिकली हमें क्या ऐड करना है, लेंथ ऑफ वायर निकालनी। तो एक तो सर्कमफ्रेंस बनाने में वायर यूज हुआ है, सर्कमफ्रेंस होगी और डायमीटर होगा, 5 डायमीटर होंगे तो 8 डायमीटर मतलब 2 टाइम्स रेडियस और इंटू 5 कर देना। और हमें रेडियस तो दे ही रखी है, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई और आर है 35/2, mm में चल रहा है सब कुछ, कैंसिल कर लेंगे ये 5 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, तो ये हो गया 110 mm, ये हो गया सर्कमफ्रेंस में। एक डायमीटर कितना हो जाएगा, एक डायमीटर 35 है तो 10 डायमीटर 350 हो जाएंगे, तो टोटल वायर कितना हो गया, 350 प्लस 110 तो 460 है। क्या क्या बोल रहे हो चिरा? 5 डायमीटर्स सर, मैं कह रहा हूँ 5 डायमीटर्स। ओके सॉरी मैंने 10 कर दिए, 5 डायमीटर्स है तो 35 इनटू 5 हो जाएगा जो कि आई थिंक हो जाएगा 1750 यस सर। ओके तो टोटल हो जाएगा ये 285 mm। ठीक है, नेक्स्ट इज पूछ रहा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो मैं इसमें एंगल एंगल की जरूरत नहीं है, सारे इक्वल सेक्टर है, सर्कल का एरिया अपॉन 10 कर देना, 10 सेक्टर्स बने हुए हैं, सर्कल का एरिया अपॉन 10, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और इनटू 10, देयर आर 10 सेक्टर्स, सेक्टर्स तो ये तो कैंसल्ड है, कैंसल्ड है, कैंसल्ड है। कर लोगे मल्टीप्लिकेशन खुद से? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट ये तुम लोगों का स्कूल एग्जाम हो गया कि यहाँ कोई है वो रायन वाला, देवांशी है आई गेस, अभिषेक का भी हो गया, कैसा हुआ अभिषेक? अच्छा कैसे हुआ एग्जाम बताया तो, ना पेपर शेयर करते हो ना बताते हो कैसा हुआ एग्जाम। तो देवांशी गायब क्यों रहती है, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ। प्रीबोर्ड के बारे में पूछ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, रायन स्कूल के एग्जाम चल रहे थे और आई थिंक एस्ट्रो के चल रहे थे, तो उनकी बात कर, तुम्हारा भी तो हुआ अभी सर? मेरा तो सर 1 महीने पहले ही हो गया। अच्छा सर, मेरे अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं प्रीबोर्ड। प्रीबोर्ड शुरू हो रहे थे जल्दी? यस सर, थोड़ा जल्दी हो गया, सनी का तो जनवरी में है, दैट्स फाइन। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, बस कंस्ट्रक्शन रह रहा है, वो अगले हफ्ते हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आउट हमारा क्या है, कैसा हुआ वेदांत?
नेक्स्ट डाउट पूछो भाई. ओके गुड. किसी का डाउट नहीं है, बहुत लोगों ने काम नहीं किया है ना. सर मुझे 12 मतलब थोड़ा सा आ गया है पर 50% है, आप एक बार फिर बता दो. और कोई डाउट किसी का 12 के अलावा? ओके चलो. कह रहा है टू वॉर्म शिप्स. अच्छा मार्क्स मिल गए मैदान के 37. ओके नाइस. ओके कृष्णा फाइन. कृष्णा तुमने होमवर्क किया था? यस सर. होमवर्क किया था तुमने? हाँ सर. कोई डाउट नहीं आया? नहीं सर. ओके. टू वॉन्ट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शी वन. देखो लाइट सेक्टर निकाल देंगे ना बस एरिया सेक्टर कह रहे निकालना. लाइट ऐसे 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 होती है लाइट हाउस में. मूवीज में देखा होगा वो खड़े रहते हैं देखने के लिए कोई आ तो नहीं रहा. तो लाइट को इस तरह से घुमाएंगे तो ऑफ कोर्स दैट विल फॉर्म अ सेक्टर. ठीक है. सेक्टर की रेडियस दे रखी है 16.5 किलोमीटर और एंगल दे रखा है 80. ठीक है. Yes, और कोई डाउट नहीं रह रहा पूरे एक्सरसाइज से? देवांशी तुम क्लास में हो ना तुम? यस सर. ओके तो मैं पूछ रहा हूँ पेपर कैसा हुआ और तुम गायब क्यों रहते हो अभी? वीडियो क्यों ऑफ रहता तुम्हारा? चलो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम लोग. लास्ट एक्सरसाइज जो रह गई इस चैप्टर की. सो देयर आर 16 क्वेश्चन. अभी तुम लोग ऐसा करो क्वेश्चन 1 से लेके 4 कर लो. अभी क्वेश्चन 1 टू 4 करो. अभी 12.3 का 12.3 फर्स्ट पूछो डाउट. 1 टू 6 में कोई डाउट है? 6th क्वेश्चन. 6 से पहले कौन सा बोला आपने? सिक्स्थ तो बोले दिया. सिक्स्थ सिक्स से पहले किसी का डाउट है? किसी का डाउट ही नहीं है. सनी तुम्हें क्लास से निकलना है, मैंने एक बार वार्निंग दी तुम्हें सॉल्व में नहीं आया. फोर से पहले किसी का डाउट है? फोर से पहले डाउट नहीं. ओके फोर्थ में कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22. एक फिगर बना हुआ उसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12. तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया प्लस सेक्टर का एरिया करना है हमें. यही तो है नीचे ट्रायंगल हो गया ऊपर एक सेक्टर हो गया बड़ा सेक्टर हो गया मेजर सेक्टर. तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर. दिस इज ट्रायंगल का एरिया प्लस सेक्टर का एरिया. अब देखो सेक्टर की रेडियस दे रखी है. क्या हमें सेक्टर का एंगल पता है? क्या हो जाएगा सेक्टर का एंगल? 60 नहीं, सबने गलत कर रखा है. सेक्टर तो ये है ना पूरा बड़ा वाला. क्या सेक्टर नीचे बना हुआ है? तुम लोग जो बोल रहे हो वो ये सेक्टर की बात कर रहे हो. क्या हमें ये सेक्टर निकालना है? ये है हमारा सेक्टर. दिस इज द एंगल ऑफ सेक्टर. ठीक है अभिषेक. सो एंगल ऑफ दिस सेक्टर विल बी 330 नॉट 60. तो 300 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर 22/7 और रेडियस है 6. समझ गया मैम? तुम लोग क्या आंसर वेरीफाई नहीं करते हो? जितने लोग 60 बोल रहे हो सबका आंसर मैच ही नहीं कर रहा होगा. तो तुम लोगों को पता नहीं चला कि ये गलत है तुम्हारा? तुम्हें डाउट पूछना चाहिए. लुक्स लाइक मोस्टली लोग आंसर वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा थोड़ी करने का. पता ही नहीं हमने सही क्या गलत क्या. खुद से सही मान के कर रहे हो कोई क्वेश्चन गलत भी करते हुए चले गए. सर मैंने तो सर पहले सर्कल का एरिया निकाला फिर ट्रायंगल का निकाला फिर माइनस कर दिया सेक्टर का. हाँ ये कर सकते हैं कि ट्रायंगल का निकाल लिया पूरे सर्कल का निकाल लिया और छोटे वाले सेक्टर का हटा दिया. दैट कैन बी डन. तो बट आई डोंट थिंक हाँ
ठीक है, सबको आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्मड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द मिडिल, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। तो बेसिकली एज पर द फिगर हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे तो बात बन जाएगी, ऐसे ही है ना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही होगी, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ रही हो कि डोंट नो रेडियस ऑफ सर्कल, अगर रेडियस ऑफ सर्कल मिल जाएगी तो बात बन जाएगी। yes, sir. ठीक है, इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। ट्रायंगल की साइड दे रखी है, सॉरी रेडियस दे रखा है, तो फिर साइड ऑफ ट्रायंगल नहीं बताओगे ना, रेडियस 32 है। ठीक है, अभी देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बाई सिमेट्री यू कैन ऑब्जर्व कि जो परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करोगे वो सेंटर से ही जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन एंगल बाइसेक्टर सब सेम ही होते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इट विल पास थ्रू द सेंटर। ठीक है, रेडियस दे रखी है 32। नाउ कैन वी फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल, वी कैन फाइंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इजिली, और भी तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही कर लेते हैं या फिर हम मीडियन वाले फंडे से भी कर सकते हैं। मीडियंस का फंडा याद है, मीडियंस एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 2:1, 2:1 में। तो ये जो साइड मैंने खींची है मान लेता हूँ उसको ए डी, क्या ये मीडियन भी होगी? yes. ठीक है, इक्विलेटरल में मीडियन परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर जो भी खींचना सब एक ही होता है। ठीक है, तो AD itself will be a median, और जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन भी होगा और यही सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो बेसिकली यही हमारा सर्कम सेंटर होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा, यही इन सेंटर होगा। जो लोग इन वर्ड्स का मतलब भूल गए, ये जो हमने सर्कल खींचा हुआ ब्लैक वाला उसका जो सेंटर है उसको हम सर्कम सेंटर बोलेंगे, क्योंकि ट्रायंगल को सर्कम स्क्राइब कर रहा है, ट्रायंगल के बाहर से है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ओ, तो ए ओ अगर 32 है तो 2:1 का रेशियो होता है, तो ऊपर 32 है तो नीचे 16 होगा उसका हाफ। तो ए डी की लेंथ 48 हो गई। ठीक है, यहां से हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं कि अगर इसको हम 2x मान लें तो ये x हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देते हैं कि 2x² मतलब 4x² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 3x² इज इक्वल टू 48² x² इज इक्वल टू 1 3 कैंसिल कर देंगे 48, तो 16 × 48 समझे ना, 48 को मैंने दो बार लिख दिया, एक बार 3 से कैंसिल कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 16 का रूट 4 और 48 का रूट 4 रूट 3, तो 16√3 आ जाएगी। हमने साइड 2x ले रखी है तो साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी आ गई, 32√3। बात समझ में आई सबको? यस यस, साइड ऑफ ट्रायंगल। बस अब तो क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हो जाएगा √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ डिजाइन। आगे बात समझे सबको? यस यस सर, कर लो नोट डाउन।
चलो आप टेस्ट का डाउट पूछो, काउंसलर क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन नंबर सिक्स से पहले किसी का डाउट है? कौन सा सर? सिक्स से पहले नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल, अच्छा सिक्स में वो डालने वाला था। बहुत लोगों ने मतलब कई लोगों ने इसको सही भी किया है, ऑल्दो बहुत कैलकुलेशन की, आई डोंट थिंक तुम्हें इतनी कैलकुलेशन चाहिए थी। कह रहा है सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल ऑफ बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर। तो एक ग्लास वेसल है उसमें ये उसके डायमेंशन। फिर कह रहा है कि ये 30 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल है। तो ऐसा है कि पूरा वेसल है लेकिन वो पूरा फिल नहीं है। कितना फिल है? 40 का था लेकिन फिल उसमें सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक वाटर है। फिर इसमें कुछ स्फेरिकल बॉल्स डाल दी गई हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कितना पोर्शन खाली रहेगा या कितनी हाइट तक खाली रहेगा, वाटर नहीं रहेगा। तो ठीक है देख लेते हैं। तो पहले तो जो वाटर का वॉल्यूम था वो कितना था? दैट वॉज पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट 30 तक था। इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वेसल का वॉल्यूम नहीं पूछा गया, वाटर पूछा गया है। ठीक है अच्छा, इसमें अगर हम स्फेरिकल बॉल्स डालेंगे तो ऑफकोर्स जितनी बॉल डालेंगे उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो बॉल्स डालोगे तो थोड़ी और हाइट बढ़ जाएगी, बस यही देखना है कितनी हाइट और बढ़ गई है। नाउ कैन वी सी, इनफैक्ट हमें इसकी जरूरत नहीं थी, कितनी हाइट बढ़ गई है। तो जितनी बॉल्स डालोगे जो वॉल्यूम आया बॉल का उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा सिलेंडर में। तो सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बढ़ा है क्या हम इससे निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से? पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ चेंज इन हाइट है। अगर सिलेंडर की हाइट 10 से 15 हो गई है तो कितना चेंज हुआ है? तो पहले हाइट थी 10, अब हो गई 15। तो फाइनल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 15, इनिशियल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 10। बात समझ गए हो कि सिलेंडर में चेंज इन वॉल्यूम इसी फॉर्मूले से निकल आएगा, पाई आर स्क्वायर चेंज इन हाइट। मैं इसको चलो H1 - H2 कर देता हूँ या कैपिटल H - H कर देता हूँ। ये बात समझ गए? यही तो चेंज इन वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और ये कितना होगा? दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। कितनी बॉल्स डाली गई? 12 बॉल्स डाली गई। तो 12 यूनिट का चक्कर तो नहीं था इसमें कुछ, सब सेंटीमीटर है। ठीक है 12 × 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई रेडियस क्यूब, रेडियस है 3.5 यानी 7/2। ये कैलकुलेशन करनी थी। कैलकुलेशन बहुत लोगों ने क्या कर दी है कि पहले 30 तक का वॉल्यूम निकाला है, फिर सारी बॉल्स का वॉल्यूम निकाला है, फिर उसको ऐड किया है, फिर टोटल वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट किया है, फिर हाइट निकालने की कोशिश की है। कितना लंबा, कितना अननेसेसरी था। तो कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, इजंट इट मच बेटर? पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, 14 स्क्वायर था ना पहले, रेडियस 14 थी, तो 14 स्क्वायर 14 दो बार 7 से कैंसिल हुआ, 7 2 रह गया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, h माइनस h जो नई हाइट थी माइनस पुरानी हाइट तो 30 थी, इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ बचा है 12 और नीचे बचा है 8, 12/8। तो h माइनस 30 कितना हो गया? ये हो गया 12/8 कितना होता है 3/2, 1.5 हो गया। तो h कितना आ गया? 31.5। आंसर से मैच नहीं कर रहा है, आंसर तो 34.5 था। तो कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस तो नहीं कर गए? पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4/3। अच्छा एक और 7 भी तो था, वो तो देखा ही नहीं। दो 7 कैंसिल किए, एक 7 और भी तो है। यस सर, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पर। हमारा 12 रह गया है फॉर श्योर, एक 7 रह गया है और ये रह गया। तो 2 × 2 तो कैंसिल हो गया, 3 बचा, ये आ गया 21/2। अभी भी कुछ और बढ़ गया, 2 7 कैंसिल हुए 14 से और 40 होगा ना, ये 3 भी है, ये भी तो मिस हो गया, ये 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, 7/2 बचा जो कि 3.5 आ गया। ये ठीक है आंसर। तो यहाँ से h माइनस 30 आ गया 3.5 और h की वैल्यू आ गई 33.5। तो नई हाइट ये हो जाएगी बॉल्स डालने के बाद 33.5। कितना पोर्शन खाली रह गया? 40 - 33.5 6.5 आंसर आ गया। इतना कुछ लंबा कैलकुलेशन है जितना तुम लोगों ने कर दिया है, और कई लोगों ने तो किया नहीं वो अलग बात है, लेकिन डूएबल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगा के करना चाहिए था। समझ के बाद किसी को डाउट तो नहीं आ रहा इसमें? ठीक है yes. Yes,
9 में तो गलत कर दिया कई लोगों ने, ये तो बताओ जो नया फॉर्मूला था वो वाला है ना, एरिया इनटू स्पीड इनटू टाइम वाला, कई लोगों ने गलती यूनिट में ही बहुत सारी की हुई है। कह रहा है एक पाइप है जिससे रिजर्वॉयर से वाटर सिलेंडर में जाता है, कह रहा है कि बताओ कितनी देर में टैंक फिल कर जाएगा, वही फॉर्मूला एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा, जो भर रहा है वही तो पूरा भरेगा। एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, हम सब कुछ लेट से मीटर में कर रहे हैं, तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर, पाई आर स्क्वायर ये तो हुआ एरिया, इंटू स्पीड, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम निकालना है इज इक्वल इंटू टी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर, रेडियस 5 है, कह रहा हाइट भी रेडियस के इक्वल है, हाइट भी 5 है, इतनी सी कैलकुलेशन है, बताओ पाई से पाई कैंसल, 10 से 10 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, और हमारा टी कितना आ गया 25 into 18, या ऐसे कर लेते हैं 5 into 5 into 18 into 10, ये सेकेंड्स में आ रहा है, थोड़ा छोटा करना है तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, यहीं कहीं भाई 60 कर दो, कैंसल 6 टाइम कैंसल 3 टाइम्स, कैलकुलेशन ही बच गई हमारी, 75 मिनट्स आ गया। हाय जी सर, आपने मीटर में करा, मैंने सेंटीमीटर में सारी वैल्यू लेके करा, करो आंसर सेम आएगा उससे फर्क नहीं, पर सारी सेंटीमीटर में करना। सर आप मेरा गलत करा, सही है मेरा भी, आंसर तो सेम ही आएगा ना, यूनिट चेंज करने से आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। नहीं सर आपने मतलब मार्क्स काटे हैं इसमें, गलत आया होगा मैं देख लेता हूँ, सेकंड्स में दिया है मैंने, सेकंड्स में आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत दिया होगा, कहाँ दिया तुमने, तो आंसर लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ है सर, कहाँ लिखा है, कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी अच्छा तुमने 10-10 लिया है, तो फिर उसमें 5/18 से किया तो ये मीटर पर सेकंड में नहीं हुआ, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं चेंज करोगे, जैसे सबको सेंटीमीटर में है तो, समझ गए, यस सर, ऑल्दो आई थिंक मैंने इसको मीटर में समझ के तुम्हारे ज्यादा मार्क्स कर, 3 मार्क्स का था ना ये, यस ठीक है, 1 मार्क बढ़ा लेना अपना, रिजल्ट डालूंगा उसमें अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट आउट, नेक्स्ट आउट सर, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 11 11 क्वेश्चन 11 क्या था, पेपर ही बंद कर दिया, एक वुडन क्यूब वाला, वुडन क्यूब वाला वैसे आंसर याद थोड़ी ना क्वेश्चन, wooden cube, the largest possible hemisphere is taken out. If the volume of remaining wood is this, what is the total surface area? इसमें calculation थी अच्छी खासी, लेकिन I think और किसी question में इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो एक question तो बड़ा बनता ही था। एक तो बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती कर दी कि formula लगा दिया है 4/3, sphere का formula लगा दिया है, wooden hemispherical block निकाला गया है ना, तो hemisphere का formula लगाना चाहिए था, लेकिन ध्यान देते नहीं हो, तो क्या बोल रहा है कि भाई एक क्यूब है, इससे लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर कट कर लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है, और बचे हुए का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है भाई, तो अगर हम बात करें कि यहाँ से निकाला गया होगा हेमिस्फीयर, तो कुछ ऐसा निकाला गया होगा, डायग्राम नहीं बनते मुझसे अच्छे से, यहाँ से लेके दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर जो हम निकाल सकते हैं, नीचे खाली हो गया है, ठीक है, और बचे हुए रिमेनिंग वुड, देखो हमेशा मटेरियल में लिखा मटेरियल कम होगा, इस बॉक्स का वॉल्यूम वैसे नहीं कम हुआ, इसलिए हवा आ गई तो उसमें वॉल्यूम नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स का वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो ऑफकोर्स मटेरियल का वॉल्यूम तो कम हुआ है, तो अगर क्यूब की साइड ए थी तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो गया क्यूब का वॉल्यूम माइनस जो हेमिस्फीयर निकला है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई रेडियस, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी A. A तो डायमीटर होगा, A by 2 उसकी रेडियस होगी, तो दिस इज A by 2 क्यूब, दिस वॉल्यूम इज गिवन एज 6835.5। अभी देखो नंबर हमेशा ऐसे दे जाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ कैंसिलेशन हो रहा होगा, तो
तो लेट्स सी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ए क्यूब दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म्स में, ए क्यूब को तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं, यहाँ बचा वन, यहाँ सिर्फ वन बचा, माइनस टू बाई थ्री बचा, और यहाँ देखो बाई एट बचेगा, ए क्यूब कॉमन लिया, टू क्यूब बच गया, तो बाई एट, और पाई बचा जो कि 22/7 है, ठीक है। नाउ बी होपफुल, ये पक्का कैंसिल हो रहा होगा जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, और तो कुछ हो नहीं रहा है कैंसिल, तो ये होगा 84 माइनस 22, 62 अपॉन 84, देखो ऐसे हम सही है, सब लोग चेक कर लेना, हमने किया है 84 माइनस 22 दैट शुड बी 62, और नीचे 84 आ जाएगा। दिस इज आफ्टर एलसीएम 6835.5, अभी और कैंसिलेशन हो सकता है, आई थिंक 2 से हो सकता है, 31 और ये हो गया 42। अभी देखो ये 32 से कैंसिल होना चाहिए एज पर माय एक्सपेक्टेशन, लेट मी चेक, 2 टाइम्स 62, 6 आया, 63 हुआ, फिर से 2 टाइम्स दैट इज 62, 115 बचा, एंड देन 15 और 5 155, 5 टाइम्स, देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, समझ गए। तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 22.5 इंटू 42, और ये भी पक्का परफेक्ट क्यूब ही बन रहा होगा, देखना 225 को हम लिख सकते हैं, 15 स्क्वायर लिख सकते हैं, 15 इंटू 15 एक डेसिमल था तो अपॉन 10 कर दे रहा हूँ मैं, और 42 ये 7 आ रहा है इसमें, 42 इज 2, 3 और 7, देखो एक तो 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी हैव 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, कुछ गड़बड़ लग रही है यार, 15 इंटू 3, ठीक है, अब भी कुछ गड़बड़ है, ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं देगा कि तुम्हें क्यूब रूट निकालना पड़े, हेमिस्फीयर निकालना है तो क्यूब, ए क्यूब माइनस, ये तो ठीक है, ए क्यूब कॉमन लिया तो 1 रह गया, 2/3 रह गया, बाई 8 रह गया, पाई रह गया, ठीक है, तो यार यहीं की यहीं 2 कैंसिल कर लेना चाहिए था, सो दैट शुड बी 42 माइनस 11, 31/42, ठीक है, कैलकुलेटर्स में एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 6835.5 डिवाइडेड बाई 31, ये मैंने गलत कैलकुलेशन कर, एक जीरो मिस हो गया है, ओके, सब बैठे देख रहे हो, ये 220.5 आएगा, नॉट 22.5, ठीक है। अब देखो यहाँ से मान लो तुमसे गलती हो गई होती तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नहीं कुछ गलत हुआ है, ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी, तो यू शुड ऑल्सो भी सिमिलरली कॉन्फिडेंट कि यार ऐसा तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बन रहा होगा सिस्टम, 2205/10 into 42, ये पक्का, देखो मैंने सोल्यूशन पहले से देखा नहीं ना मुझे आंसर पता है, बट आई एम श्योर ये पक्का परफेक्ट क्यूब होगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बनेगा नहीं तुम लोगों के लायक। अब 42 में 7 होता है तो पक्का इसमें भी 7 होगा, चेक करके देख लो, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 1 टाइम एंड 5 टाइम, फिर से 7 आएगा, सो दैट विल लीव 4 और 545, ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद 45 एंड 42 को मैं 7 इंटू 6 लिख ले रहा हूँ, देखो यहाँ क्यूब वाला बन गया, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ 6 इंटू 45 ये भी बन रहा होगा क्यूब, 45 इज 9, ठीक है, 9 इंटू 5, अरे यार फिर से 5 ही कमी पड़ रही है, 220.5, 2205 का फैक्टराइजेशन में ठीक है ये, और ठीक है 7 से 4 टाइम 45, ठीक है, अच्छा नीचे 10 है ना, नीचे 10 है तो 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, 45 को 3, 3 इंटू 5, 2 और 5 जो क्यूबिक नहीं थे वो नीचे से कैंसिल हो गए, वी आर लेफ्ट विद 3 क्यूब एंड 7 क्यूब, यहाँ से साइड कितनी आ गई, a इज इक्वल टू आ गया 21, Yes. एक बार साइड आ जाएगी फिर तो ये निकाल ही लेंगे, समझ गए,
थोड़ा लेंथी था लेकिन इतना भी नहीं कि नहीं किया जा सकता था. वी कैन सी द कैलकुलेशन इटसेल्फ. हमेशा मल्टीप्लाई करने के विषय बंदा करो, मल्टीप्लाई करोगे आंसर में फंसोगे. देखा करो कहां से कितना वो छोटा हो सकता है. ठीक है, कोई और डाउट रह रहा है किसी का? ओके देन, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है. नेक्स्ट क्लास वी हैव टुमारो, तो कर लेंगे पूरे एक्सरसाइज 7 से लेके 16 तक कर लेंगे. तो टेस्ट भी है. ठीक है, वैसे कल खत्म करना है तो कुछ क्वेश्चन हम क्लास में भी कर सकते हैं. तो 7 से 12 कर लेना, इतने तो हो जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 टू 12 होमवर्क में कर लेंगे, बाकी क्लास में खत्म करके हम चैप्टर को ओवर कर देंगे. ठीक है, चलो. सो ठीक है, आज के लिए इतना ही. टिल देन गुड बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.